महाकुंभ के खिलाड़ियों को सहयोग देने की जिम्मेदारी भी सरकार उठा रही है और ये जो लगातार अविराम प्रयास किए गए, खिलाड़ियों ने जो साधना की और जब खिलाड़ी प्रगति करता है तो उसके पीछे एक लंबी तपस्या होती है। जो संकल्प गुजरात के लोगों ने मिलकर लिया था वो आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, ये गुजरात की युवा शक्ति का आपको गर्व है? गुजरात के खिलाड़ी पराक्रम कर रहे हैं, आपको गर्व हो रहा है? खेल महाकुंभ से निकलने वाले युवा ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स समेत कई वैश्विक खेलों में आज देश का और गुजरात का युवा अपना जलवा बिखेर रहे हैं। ऐसी ही प्रतिभाएं इस महाकुंभ से भी आपके बीच से ही निकलने वाली है। खिलाड़ी युवा तैयार करते हैं, खेल के मैदान से उभरते हैं और पूरे हिंदुस्तान का परचम दुनिया में लहराते हैं। साथियों, एक समय था जब खेल जगत में भारत की पहचान केवल एक दो खेलों के भरोसे टिकी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो खेल देश के गौरव और पहचान से जुड़े थे उन्हें भी भुला दिया गया। इस वजह से खेलों से जुड़े संसाधन बढ़ाने, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर जितना ध्यान देना चाहिए था, जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, वो एक प्रकार से रुक गया था। इतना ही नहीं, जैसे राजनीति में भाई भतीजावाद घुस गया है, खेल जगत में भी खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। खिलाड़ियों की सारी प्रतिभा परेशानियों से जूझने में ही निकल जाती थी। उस भंवर से निकालकर भारत के युवा आज आसमान छू रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर की चमक देश के आत्मविश्वास को भी